हेलो किड्स, वेलकम टू T2 लर्निंग चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम सीखेंगे सभी वर्णों से बनने वाले बिना मात्रा वाले शब्द। तो तैयार है ना आप? ग्रेट, लेट्स गो। सबसे पहले आता है क, और क से बनता है कमल, कमल, कमल। उसके बाद आता है ख, और ख से होता है खबर, ख ब र, खबर। उसके बाद आता है ग, और ग से होता है गगन, ग ग न, गगन। उसके बाद आता है घ, और घ से होता है घर, घ र, घर। फिर आता है च, और च से होता है चरण, च र ण, चरण। उसके बाद आता है छ, और छ से होता है छत, छ त, छत। उसके बाद आता है ज, और ज से होता है जगमग, ज ग म ग, जगमग। फिर आता है झ, और झ से होता है झटपट, झ ट प ट, झटपट। उसके बाद आता है ट, और ट से होता है टम टम, ट म, टम टम। उसके बाद आता है ठ, और ठ से होता है ठग, ठ ग ठग। फिर आता है ड, और ड से क्या होता है डगर, ड ग र, डगर। इसके बाद आता है ढ, और ढ से होता है ढक्कन, ढ क क न, ढक्कन। फिर आता है त, और त से होता है तपन, त प न, तपन। फिर आता है थ, और थ से होता है थल, थ ल थल। उसके बाद आता है द, द से होता है दमकल, द म क ल, दमकल। फिर आता है ध, और ध से होता है धन, ध न धन। उसके बाद आता है न, और न से क्या होता है नमन, न म न, नमन। फिर आता है प, और प से होता है पत्र, प त्र, पत्र। फिर आता है फ, और फ से क्या होता है फल, फल। फिर आता है ब, और ब से होता है बदन, ब द न, बदन, बदन यानी बॉडी, शरीर। फिर आता है भ, और भ से होता है भवन, भ व न, भवन। फिर आता है म, और म से होता है मन। फिर आता है य, य से होता है यश, य श यश। उसके बाद आता है र, और र से होता है रतन, र त न, रतन। उसके बाद आता है ल, और ल से होता है लवण, ल व न, लवण। फिर आता है व, और व से होता है वतन, व त न, वतन। उसके बाद आता है श, और श से होता है शरण, शरण, शरण। फिर आता है स, और स से होता है सघन, स घ न, सघन। फिर आता है ह, और ह से होता है हवन, ह व न, हवन। फिर आया क्ष, और क्ष से होता है क्षण, क्ष ण, क्षण। तो अब आप सीख गए हैं सभी वर्णों से बनने वाले बिना मात्रा के शब्द, और उन्हें आपने पढ़ना भी सीखा। तो अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ और ऐसे बिना मात्रा वाले शब्दों को प।
पढ़ने की। तो तैयार है? ग्रेट। भगत भगत, शहद शहद, महल महल, कमर कमर, पहर पहर, कहर कहर, मगर मगर, चरण चरण, भरण भरण, सड़क सड़क, कलश कलश, मटर मटर, नयन नयन, नरम नरम, बटन बटन, भजन भजन। गुड। तो अब आपने और भी कुछ ऐसी शब्दों की प्रैक्टिस की जिनमें मात्राएं नहीं होती हैं। तो अब आप और प्रैक्टिस करते रहिए, उससे आपको और अच्छे से बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएगा। और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए T2 लर्निंग चैनल को। फिर हम आएंगे नए किसी वीडियो के साथ। थैंक यू।